सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा किया था एनालिटिकल रिएजेंट्स का। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे टाइट्रेशन और कुछ एनालिटिकल रिएजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो टाइट्रेशन हम में से कुछ लोग इसे स्कूल में भी किए हुए हैं और कुछ लोग हम लोग इसमें बीएससी में भी किए हुए हैं और कुछ लोग अभी तक में भी इसे कर नहीं पाए होंगे लॉकडाउन वगैरह की कारण। तो जो भी हो, आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर टाइट्रेशन होता क्या है और कितने तरीके के टाइट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए, टाइट्रेशन में कुछ मतलब कि बहुत कुछ खास कंसेप्ट तो है नहीं इसका। इसमें हम लोग करते क्या है कि सपोज हम लोग को किसी एक अननोन कोई एक मेटल का या कोई एक कंपाउंड का हम लोग उसका कंसेंट्रेशन निकालना है। लेट सपोज कि हम लोगों को एच प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना है या सपोज हम लोगों को एफ ई टू प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना है। ऐसे कर करके मतलब कि किसी भी एक अननोन मॉलिक्यूल या एटम का हम लोग को यदि कंसेंट्रेशन निकालना है तो उस केस में हम लोग टाइट्रेशन का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल एक जो हम लोग टाइट्रेशन हमेशा करते हैं वो क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन। याद कीजिए कि उसका सेटअप कैसा था। एक हम लोग के पास क्या होता है, ब्यूरेट होता है। ठीक है, ब्यूरेट ये वाला जो होता है इसको ब्यूरेट बोलते हैं और नीचे ये वाला जो रहता है इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक कुछ कोन टाइप का दिखता है तो इसे हम लोग कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। तो कोनिकल फ्लास्क में हम लोग का रहता है एनालाइट। ठीक है, मतलब यदि हम लोग को एच प्लस का यदि हम लोग को कंसेंट्रेशन देखना है एच सी एल में, ठीक है, एच सी एल में हम लोग को एच प्लस का कंसेंट्रेशन देखना है तो एच सी एल हम लोग इसमें डालेंगे कोनिकल फ्लास्क में। और ब्यूरेट पर रहता हम लोग का टाइट्रेंट। ठीक है, तो किसी के साथ हम लोग को इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा तो उसमें हम लोग लेते हैं बेस। बेस जैसे कि NaOH, ये हम लोग का कहलाता है टाइट्रेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक सेटअप रहता है। फिर इसमें हम लोग एक कुछ इंडिकेटर डाल देते हैं जैसे कि फेनोक्थेलिन वगैरह। तो जैसे ही इसका मतलब एंड पॉइंट ये पार कर जाता है तो इसका जो ये जो सॉल्यूशन का कलर है ये पिंक कलर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से। सपोज कीजिए आपको बोला गया है कि HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, HCl सॉल्यूशन है, आपको उसका कंसेंट्रेशन निकालना है या फिर आपको उसमें H+ आयन का कंसेंट्रेशन निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको क्या दिख रहा है, HCl है। HCl क्या है, एक एसिड है। तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि यदि हम लोग इसके साथ कोई भी बेस का रिएक्शन करवाते हैं मे बी NaOH, तो इसमें क्या बनेगा, वाटर बनेगा प्लस NaCl बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। वाटर मतलब H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा मतलब इसका पीएच 7 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि हम जैसे मतलब देखिए शुरू में क्या है, HCl है, एसिड है, एसिड का पीएच क्या होता है, कम होता है ना, और बेस का पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है। तो शुरू में हम लोग के पास जो ये कोनिकल फ्लास्क है इसमें क्या है, एसिड है, तो इसका पीएच कम है। इसी में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, हम लोग का इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं, इंडिकेटर। वो हम लोग आमतौर पर क्या लेते हैं, फेनोप्थेलिन लेते हैं। ठीक है, फेनोप्थेलिन को मैं यहाँ पर इसको PHL नाम से इसको डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो फेनोप्थेलिन जो होता है ना, फेनोप्थेलिन यदि उसका पीएच कम हुआ, ठीक है, यदि उसका पीएच 7 से कम हुआ तब उसका कलर रहता है कलरलेस, मतलब उसका कोई कलर नहीं रहता है। लेकिन यदि उसका पीएच 7 से ज्यादा हुआ मतलब बेसिक पीएच में, तब उसका कलर हो जाता है पिंक। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, हम लोगों के पास ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें हम लोगों के पास क्या है, HCl है, और इसी में हम लोगों ने डाल दिया है हम लोग का इंडिकेटर बिगिनिंग में ही। फिर हम लोग ब्यूरेट लेते हैं और वहां से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग NaOH ऐड करते जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर NaOH ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, न्यूट्रल होता जाएगा। पहले क्या था, ये एसिडिक था। तो जैसे जैसे फिर ये रिएक्शन इसका प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे हम लोग NaOH ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे एसिड का कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा तो इसका पीएच बढ़ता रहेगा।
बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब पीएच इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच 7 हो गया तो ये पूरा एकदम न्यूट्रल हो गया। अब कोई भी हम लोग के पास एसिड नहीं बचा है। उसके बाद यदि एक ड्रॉप भी हम लोग NaOH ऐड करते हैं तो ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक। बेसिक बन जाएगा मतलब इसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा। तभी ये जो हम लोग का इंडिकेटर है फेनोफ्थेलिन, ये कौन सा कलर शो कर देगा, पिंक। तो तभी हम लोग पता चल जाएगा कि हम लोग का जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 कैलकुलेट करने के लिए। ये जो है N1V1, ये सपोज कीजिए हम लोग के पास एसिड के लिए है HCl, और ये वाला जो है N2V2, ये सपोज हम लोग के पास NaOH के लिए है। ठीक है, NaOH। अब देखिए HCl का जो कंसेंट्रेशन है वो हम लोग के पास अननोन है, वो हम लोग को पता करना है, लेकिन NaOH का सोल्यूशन को हम लोग को नॉन कंसेंट्रेशन में लेना चाहिए, मतलब लेना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग उसका कंसेंट्रेशन पहले से पता है, और NaOH का जो वॉल्यूम है वो जब हम लोग ये टाइट्रेशन करेंगे तो ये देखिए शुरुआत में यहां पर इसका रीडिंग था, अब इसका देखिए ये जो ब्यूरेट में रीडिंग है यहां तक आ गया। तो ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लेंगे रीडिंग में, वो हम लोग का बन जाएगा ये V2, मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH। और V1 क्या है, V1 भी हम लोग के पास नॉन है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने पहले से कितना वॉल्यूम HCl डाल रखा है वो आमतौर पर हम लोग 10 ml लेते हैं। तो ऐसे करके तो ये तीनों क्वांटिटी हम लोग को पता है, तो हम लोग N1 इजिली निकाल सकते हैं। N1 क्या हो जाएगा, N2V2/N1। तो ऐसे करके हम लोग HCl का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं जो कि अननोन सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो बहुत सिंपल है ये जो हम लोग पूरा प्रोसेस किए हैं, यही क्या है, डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली टाइट्रेट कर रहे हैं, और भी कई तरीके के टाइट्रेशन होते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन प्रोसीजर्स विद अ मेटल आयन इंडिकेटर दैट रिस्पॉन्स टू द एनालाइट एंड मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज, मतलब ये वाला जो टाइट्रेशन है ये बहुत सिंपल है, इसका जो थ्योरी है तो ये बहुत कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे टाइट्रेशन में थोड़े बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सेशन है, तो ये सबसे सिंपल है और मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं देता है, तभी हम लोग को दूसरे टाइट्रेशन पर मूव करना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इसमें, यदि हम लोग को ये जो इंडिकेटर जो हम लोग को चाहिए, यदि ये हम लोग को ढंग का ना मिले तो ये ड्रॉबैक हो जाएगा ना। फिर हम लोग को ये जो कलर चेंज होता है ये हम लोग को नहीं दिखेगा, और भी कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं बैक टाइट्रेशन पर। देखिए, मेथड्स दैट यूज एन एडेड मेटल आयन आर ऑल्सो वाइडली एम्प्लॉयड। मेथड्स बेस्ड ऑन इंडिकेटर फॉर एनालाइट, मेथड्स बेस्ड ऑन इंडिकेटर फॉर एन एडेड मेटल आयन, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड एंड स्पेक्ट्रोस्कोप एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है हम लोग के पास बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन हम लोग कब यूज करते हैं, सपोज कीजिए ये जो HCl है और ये जो NaOH है, यहां पर क्या है कि ये दोनों तो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन इन केस यदि सोचिए कि ये HCl के साथ NaOH बहुत स्लो रिएक्ट करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बताया था, वहां पर मैंने क्या बताया था कि जैसे मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, इनका जो 2+ आयन है वो क्या करता है, EDTA के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके ये लोग एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि कोई और दूसरा कोई एक मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है जो EDTA के साथ उतना अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है लेकिन उसका रेट बहुत स्लो है, ठीक है, मतलब एकदम धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो उतना तो हम लोग वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग को जो हम लोग का रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी जल्दी चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस EDTA ले लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा EDTA ले लेंगे। तो क्या होगा, ये जो MN+ EDTA जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ये फिर
जल्दी से बन जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेस ऑफ EDTA लिया था, तो यहां पर क्या होगा, कुछ EDTA हम लोगों का बच जाएगा। उसी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो EDTA हम लोग का बच गया है उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, Mg2+ या फिर सपोज कीजिए Ca2+, इसी के साथ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन होता है ये आपका फास्ट रिएक्शन होता है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है Mn+ और EDTA वाला, ये स्लो रिएक्शन है, तो ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग के पास EDTA जो बच गया था, यहां पर क्या किए हम लोग EDTA को एक्सेस में लेंगे, ठीक है, एक्सेस, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर कुछ EDTA हम लोग का बच जाएगा क्योंकि हमने इसे एक्सेस में लिया था, उसको हम लोग Mg2+ के साथ टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। फिर वही वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वही जो, सॉरी रुक जाइए, वही वाला जो हम लोग देखे थे, N1V1 = N2V2। N1V1 क्या हो जाएगा, Mg2+ का हो जाएगा, और N2V2 क्या हो जाएगा, EDTA का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए Mg2+ का कंसेंट्रेशन हम लोग को नोन होना चाहिए, ठीक है, नोन होगा, और इसका वॉल्यूम वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऐसे करके हम लोग यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, N2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहां से N2 निकाल लेंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट केस था इसके लिए हम लोग फिर फॉर्मूला लगा देंगे, N3V3 = N2V4। ये वाला किसके लिए हो जाएगा, Mn+ का, ये वाला किसके लिए हो जाएगा, EDTA का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों EDTA का वॉल्यूम अलग अलग होगा, सेम हो सकता है लेकिन अलग अलग होगा। अब फिर यहां से क्या होगा, हम लोग को ये तीनों हम लोग को पता है, ठीक है, N2 यहां से मिल जाएगा, V4 हम लोग को पता ही है क्योंकि हमने उसे एक्सेस में लिया था, मतलब ये जो एक्सेस लेंगे इसका हम लोग को नोन अमाउंट होना चाहिए, यदि हम लोग एक्सेस ले रहे तो ठीक है, लेकिन जैसे कि 10 ml हम लोग लिए तो वो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, तो वो हम लोग को पता होना चाहिए कि कितना एक्सेस ले रहे हैं, और फिर वहां से हम लोग N3 निकाल लेंगे, ठीक है, ये तीनों हम लोग को नोन होगा और वहां से हम लोग N3 निकाल लेंगे, ऐसे करके किया जाता है बैक टाइट्रेशन। देखिए बैक टाइट्रेशन प्रोसीजर्स आर यूज्ड व्हेन नो सूटेबल इंडिकेटर इज अवेलेबल, जो मैंने इसका ड्रॉबैक बताया था आपको डायरेक्ट टाइट्रेशन का, ठीक है, कि नो सूटेबल इंडिकेटर अवेलेबल व्हेन द रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड EDTA इज स्लो, जब रिएक्शन स्लो होगा, और व्हेन द एनालाइट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट एट द pH रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन, फॉर इट्स टाइट्रेशन, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम लोग इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें एक मतलब कि सिंपल रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या देखते हैं हम लोग कि उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो वो तो हम लोग को नहीं चाहिए, तो वो दिक्कत कर देता है डायरेक्ट टाइट्रेशन में, इसीलिए हम लोग उस केस में बैक टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास तीन हम लोग को यहां से ड्रॉबैक्स मिले, ये फर्स्ट नो इंडिकेटर, सेकेंड ये स्लो हो जाता है, और थर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। देखिए ये जो टाइट्रेशन वाला जो पोर्शन है, यहां से आमतौर पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस, ठीक है, कैलकुलेशन वाला भी आ सकता है कई सारे में, वैसे सिंपल आपको कुछ दे सकता है बैक टाइट्रेशन वगैरह का, या आयोडोमेट्री वगैरह का कैलकुलेशन भी दे सकता है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन दोनों में आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने आपको अभी बताया, और ये EBT क्या है, इंडिकेटर है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा और ये वाला जो एक्चुअल EDTA कंज्यूम्ड, ठीक है, कितना EDTA हम लोग को कंज्यूम हुआ, तो वहां से हम लोग निकालेंगे। देखिए ये वाला जो V4 है ना, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ गड़बड़ बताया था। देखिए सपोज
ईडीटी है, जब हम लोग एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेस हम लोग लिए, तो इसका हम लोग का अमाउंट पता है कितना है, ये 30 ml सपोज, ठीक है। फिर इसमें से मानिए कि कुछ अमाउंट एक्चुअल में यूज हुआ है वो है V, और कुछ अमाउंट इसका बच गया है, ठीक है, ये है लेफ्ट, ये है यूज्ड, जो बच गया है वो सपोज कीजिए V1 है। अब ये वाला जो V1 है इसको फिर हम लोगों ने टाइट्रेट किया था मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो यहां से हम लोगों को V1 का वैल्यू पता चलेगा। देखिए यहां से हम लोगों को जब हम लोग टाइट्रेट करेंगे तो ये N2 का वैल्यू ये हम लोग को पहले से पता होगा, ठीक है। EDTA जो है, EDTA का हम लोग को नॉन कंसेंट्रेशन लेना होगा। देखिए एकदम मैं फ्रेश करके आपको बताता हूँ, रुकिए, ठीक है, एकदम फ्रेश करके आपको बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।